मोरे रामा हो राम। प्रेम अपना हरि पर जो श्रद्धा से लावे, अहिल्या कुबरी को तारे प्रभु। टेर गज है किया ग्राह जल में धरा, जाके ग्राह से गज को उबारे प्रभु। खटरस भोजन छोड़े कुरुपत के घरे, बेदुर घर में है सगवा मुख डारे प्रभु। मुट्ठी दो चावल सुदामा कर खाए रहे, भक्ति से उनको सवारे प्रभु। अच्छा बाबूजी, पूनम कैसे प्रकाश यादव मलदहिया वाराणसी की देखरेख में हम गायक कलाकार सुदई राम यादव अपनी गोपीगंज भदोही के माटी से सतियों में सती महासती सीता जी समाहित स्थल आप सीतामढ़ी जनपद भदोही त्रेता युग से आज ये कलयुग में विरहा पेशवा प्रकाश भैया के देखरेख में जरा सा ये इतिहास को सुने और समझें कि सीतामढ़ी सीता रानी उस समय पर उनके ऊपर क्या गुजरा था। जरा हम आप एक पुराण की कथाएं पर गौर करेंगे और पारिवारिक विरहा और परिवार में सुनने काबिल विरहा दिया जा रहा है आपके बीच में। वाह वाह कैसे लाल। सहस्त्राबाहु को जीते राम, आए रावतपुरी छवि धाम। ये सुमेघ का घोड़ा छोड़े रघुकुल राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष वनवास बिता करके पुनः अयोध्या में वापस आते हैं, कैकेयी भरत के महतारी सीता मैया से पूछती हैं कि हे सीता, तुमने कुछ दिन के लिए दशकंधर द्वारा तुम्हारा हरण हुआ, तुमने लंका में गई, रावण किस चेहरे का था? सीता मैया ने कहा कि हमने रावण का मां चेहरा देखा नहीं, आपका आदेश हो हम एक सादा कागज पे रावण का चेहरा बना सकती हूँ। मने भाग गया कैकेयी को, ठीक है बना दो। सादा कागज पे सीता मैया रावण का 20 भुजा 10 शीश बना के जब उसका चेहरा और सादे कागज को दे दिए कैकेयी को, कैकेयी लेके पहुंच जाती है राम दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। कहने लगी कैकेयी, तुम राम बनते हो, 14 वर्ष सीता वनवास वन को बिता करके और पुनः अयोध्या में वापस आई है, लेकिन सीता जी के अभी याद है दशकंधर की, दशकंधर की याद आ रही है। इतनी बात सुनकर के लक्ष्मण को बुलवाते हैं राम और सीता को रथ पर बैठा करके लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि गर्भवती रूप में सीता को तत्काल अघोर वन में छोड़ के आओ। कहना पड़ा यहाँ भाव से कैसे लाल, तर्ज है कही दे भौजी भैया से दई दे मोर गौनवा कैसे लाल। यह तर्जबा, अरे कही दे भौजी भैया जी से, कही दे भौजी भैया जी से, दही दही मोर गावा नवा हो। ननद अपने भौजाई से का कहत है, न तले बई कूड़ार दौरी, हम ना ले बई गहनवा हो, दुईठे चिजुइया लेबे, दुईठे चिजुइया लेबे, चौकी औ बेला नावा हो, दुईठे चिजुइया लेबे, चौकी
बाबूजी ये तो भाव था लेकिन अर्ज क्या है। अरे होइगा बनवास जबकि, होइगा बनवास जबकि सीता माये गरिया, होइगा बनवास जबकि सीता माये गरिया, होइगा बनवास जबकि सीता माये गरिया। राम जी बोलाए लखन सुना वही घरिया हो, अरे रथिया पे लई के लखन, रथिया पे लई के लखन चले बल करिया हो, रथिया पे लई के लखन दूर। साथी सुनाई वाले हमारे श्रोता बंधु, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी को आदेश दिए राम कि गर्भवती रूप में सीता को तत्काल अघोर वन में छोड़ के आओ, रथ पर बैठा करके लक्ष्मण जी चल देते हैं आज्ञाकारी लक्ष्मण भगवान के आदेश पर। सारंगा का भाव लगता है कैसे लाल। माई बहन के तर्ज आए के बिया है शादी में गाओ थी, ए प्रकाश भैया बिया है शादी में कैसे औरते लोग गाओ थी। कि झाझड़ मारऊ आज नीचे वाये बाबा हो, झाझड़ मारऊ आज नीचे वाये बाबा हो, लगी है सूरजिया के धाम हो, बनिया में बोला बिटिहनिया। अरे याद की है बाबू भूले जिनी हमारी बचनिया, आधे में बैठे हमारे नैहर के लोगवा हो, आधे में बैठे हमारे नैहर के लोगवा हो, आधे में दूल्हा जी। सीता को रथ पर बैठा करके लक्ष्मण जी जो ने समय पर जंगल में चल दिया अयोध्या से, कहना पड़ गया यही पर। रथिया पर बैठी सीता करथी रुदनवा हो, रथिया पर बैठी सीता करली रुदनवा हो, बनवा की रथिया तकाय हो, पता नहीं राम काही छोड़े बिया बनावा। रथिया पे सीता बैठी कर थी रुदनावा, अखिया से बरसे राम, अखिया से बरसे राम, अखिया से बरसे लागल सीता सावनावा हो, अखिया से बरसे लागल सीता सावनावा हो, सीता जी बनावै में जाय हो, जौने समय
लक्ष्मण जी राम के छोटे अनुज सीता को रथ पर बैठा करके पुनः अयोध्या से चल देते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं सुंदर वन, तो पहले अयोध्या से चले तो आते कहां है जो भाई, गोपीगंज क्षेत्र में कोरोना मार्केट, सीतामढ़ी दादा राम कैलाश गायक के 2-4 किलोमीटर पहले एक कलजरा घाट है, गंगा का तट कलजरा घाट। उस जमाने में सीता जी को लक्ष्मण जी उस घाट पर पहुंचते हैं जिस घाट का नाम बतलाया गया कलजरा घाट। सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ करके कहते हैं, भाभी जी अब पुनः मैं अयोध्या जाऊंगा, अब अपने जिंदगी के अपने प्राण के रक्षा तू अपन खुद करा, अब हमसे मतलब नहीं बा। भगवान का आदेश रहा, हम छोड़ के अब जात है। लक्ष्मण जी की सूरत देख रही हैं सीता जी के, अब हम का करब, कैसे खाब, कैसे रहब, कैसे नहाब, का करब, यहाँ जंगल में कोई सहारा देने वाला नहीं बा। ए बाबू अच्छा तो एक बात और समझा जाए, आज भी किसी औरत को गर्भवती अवस्था में किसी जंगल में छोड़ दिया जाए क्या कर सकती है अबला? ओम प्रकाश यादव बक्सर के कलाकार एक बिरहा कैसेट में उसने अपने शब्द को भेजे हैं कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध तेरे आंखों में पानी। सीता मैया रो रही है लक्ष्मण को देख करके, तर्ज बदल गया लाल, हरे राम बनो में रो, अरे राम बनवई में रो, अकेले सीता माई बनवा में रो, बना बना भटकई सीता न सूझई नयनवा, पता नहीं कौने कारण हमें स्वामी भेजनी बिया बनावा, अरे बनवई में सिया रही असियई बाई बनावा में रो, अकेले सिया बाबूजी। सीता जी रो रही हैं, का करी अब कहां जाई, कुछ दिमाग नहीं काम करता। लेकिन सीता जी एक गौर बढ़ाती हैं मन में, कलजरा घाट कोरोना मार्केट से 2 किलोमीटर दक्षिण, अभी सीतामढ़ी आगे 5 किलोमीटर है, लेकिन कलजरा घाट सीता जी अब सोचत कहां हैं, हम का करी कैसे करी, एक तर्ज लगाई हां। पहले के माताई बहन का गीत हो, माई बहन गावत रहें कैसे गावत रहें, बियाहे शादी में वो कब गावे मास्टर, जोने समय पर लड़िका अंगने में बैठे, हमारे घूंघूटे पर बैठे मैना चिराई उड़ाए से नहीं उड़ो, माई बहन के तर्ज आए बाबूआ, यही के कबहो कबहो और पहले 4-6-10 बरिस के पहले और माई बहन गावे, उबर खोजे के भाव में गावे की बाबा सबर खोजे लटगे नवा से जरिया पे मनी बरसा, वाले साथी भाव है, लेकिन सीता मैया रो रही है और का कहते हैं कि सीता बनावा में बरसई सावनवा की बनन अपमान मिले तो।
सीता जी रो रही है कि अब हम कहां जाई, कैसे का करी। सीता जी का दिमाग नहीं काम करता। जब दक्षिण तरफ कलजरा घाट से सीता जी जब देख रही हैं गंगा जी के करार के ऊपर से, तब उनको दिखाई पड़ा कि गंगा धारा बह रहा है या कोई नदी हो। जब सीता जी पूछ रही हैं उस समय पर कोल भील से कि भैया कोई नदी है कि गंगा जी है कि जमुना है क्या है, लोग यादवासी कोल भी लकड़ी काटने वाले उस समय बताए कि ये बन देवी महारानी ना तो कोई नदी है ना यमुना है, ये गंगा मैया है। तो सीता मैया समझ गई कि जब गंगा जी हैं तो हम अब इस अवस्था में हम अयोध्या से छोड़ी गई हैं और जाके हम ये गंगा मैया के गुदिया में जान दे दे, अब मोर जाई न रहे बांस न बाजे। जौने समय सीता जी कलजरा घाट से नीचे उतरत है, गंगा मैया के गोद में घुसई लागिन। जब नकुरा तक पानी जके नासिका कहाग, जब नाक तक पानी में जब उलियात है तो गंगा मैया प्रगट। आकाश मृत्यु आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है, रुक जाओ रुक जाओ। सीता जी कण मनाने लगी कि आखिर इस जल में आवाज कहाँ से आ रही है, कौन थी आवाज, किसकी आवाज थी, वो गंगा मैया की आवाज थी। गंगा मैया इशारा दे रही कि बेटी रुक जाओ, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किसकी बहन हो, किसकी पतोह हो, किसकी अर्धांगनी हो। इतनी बात सुनकर के गंगा मैया की बात, सीता जी एकदम आंख में सावन का बरसात होने लगा। कहा माँ आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो। माँ ए बाबू, सीता जी की बात सुनकर के गंगा मैया मुस्कुराते हुए कहा, ए बेटी मेरा नाम गंगा जी, तुम मेरे गोदी में जान क्यों दे रही हो। जब गंगा जी का परिचय सीता मैया पाई तो कहे, माँ आप जैसे सती के आज गोद में अगर एक बिटिया का अंत हो जाए तो इससे बड़ा दुनिया में स्वर्ग कौन मिलने वाला है। कहा, बेटी पहले तुम अपना जान देने से पहले तुम अपना परिचय बताओ, तुम किसकी बेटी हो। तब सीता जी कहते हैं कि माँ मैं राजा जनक की बेटी हूं, दशरथ मेरे ससुर हैं, अयोध्या के नरेश। अपने पति का नाम ले, पतिव्रता है, औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है माँ। तब गंगा मैया समझ गई कि बेटी तुम सीता तो नहीं हो। सीता मैया कहे, माँ हाँ हम सीता है, हम सीता हैं। कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे आई हो। कहा, माँ हमारे पतिदेव, हमारे दुनिया के मालिक हमको पुनः 14 वर्ष के बाद फिर वनवास दोबारा भेजे हैं, और हमने यहाँ खाने का कुछ ठिकान है न कुछ रहने का स्थान है, हम ऐसे बन बन भटक रही हैं। माँ शरण दीजिए माँ अपने गोद में। तब गंगा मैया का कहत है, भाव लग गए टेरी के लाल, कैसे गंगा कहाँ लगी उस बार, तो गंगा कहाँ लगी उस बार, और सीता बतिया सुना हमार, अरे मयरिया सीता कल्पई बन में, हाँ मयरिया सीता कल्पई बन में, हाँ हाँ कल्पई कल्पई मयरिया सीता कल्पई बन में। गंगा मैया बोल रही है, ए बेटी सीता तुम मेरे गोदी में जान न दो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारे पेट में बच्चा है, वो बच्चा है बहुत बड़ा वीर पुरुष होगा, तुम आगे बढ़ो। कलजरा घाट से गंगा जी आदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ो,
चार किलोमीटर आगे बढ़ो, वाल्मीकि महाराज की कुटी है। आमा, वाल्मीकि महाराज? हाँ बेटी, अच्छे महापुरुष हैं, वाल्मीकि महाराज की कुटी है, वहां तुमको रहने की सब व्यवस्था उपलब्ध है। गंगा जी की बात मान करके सीता जी चलती हैं वाल्मीकि महाराज की ओर। कहना पड़ा, भाव बदल गया। तर्ज है, माई बहन भी आए, शादी में गाओ थी, कैसे गाओ थी? आज एकादशिया बिहाने द्वादशिया कैसे लाल। यह गावत थी माई बहन कि आज एकादशिया बिहाने द्वादशिया तेरसिये के ना, आज एकादशिया अरे बिहाने द्वादशिया तेरसिये के ना, अपिया मांग थे गावनावा तेरसिये के ना। तर्ज के तमाम बनारस के बिरहिया पूर्वांचल के लोग गाए कि फेंकी दिहले थरिया बालम गईले झरिया पहुंचले कीना, आ उठल हिया में लहरिया पहुंचले कीना। यही तर्ज के बिरहिया लोग गाए कि फेंकी दिहले गगरा बालम गईले अगरा पहुंचले कीना, घरवा कई के गईले झगड़ा पहुंचले कीना। यही के माई बहन कटाई के समय पर गाँव चैत के लवाई में पकी गईले गेहूं आला टकी गईली बलिया खनकी गईली ना, असखी खेते खेते कंगना खनकी गईली ना। तमाम तर्ज है बाबूजी, रकम रकम अपने अपने भाषाओं की बात है, बात एक ही है, भाषाओं की परिवर्तन है। लेकिन जौने समय सीता मैया जब आगे बढ़त हैं तो कैसे कहना है? बाजियो लाल चंद्रिका, ए सुभाष मुन्ना, बहुत दिन से ढोल बजा रहे हो मुन्ना, लेकिन तनी सा चंद्रिका हारमोनिया मास्टर, ये तर्ज ओरिजिनल है, खांटी इलाहाबादी पकड़ रहा है कि बनावा में सीता माई करती रुदनवा गजब होइगा, बनावा में सीता माई करती रुदनावा गजब होई गाना, परी गाढ़े में परनावा गजब होई गाना। सीता मैया रोत है, जौने हाथे भरन पिया मांगे में से धुरावा, वही हाथे पिया राजा दिहले महुआवा, बाबूजी सीता मैया रोत है कि आज जो राम हमारे पतिदेव बरात सजा के अयोध्या में गए, जो सात चुटकी सिंदूर हमरे मांगे भरे जनक नगरी में, आज वह भगवान हमके वन में भेज के अपमान करावत है। सीता जी है बतिया के रोई के कहत का है, जौन हाथे भरन पिया मांगे में से धुरावा, हाथे स्वामी आजा दिहले माहुरावा, सीता बनावई में ना सीता बनावा में करती रुदनवा की बन में गजब होई गाना, बनावा में करती रुदनवा की बन में गजब।
प्रभु जी, सीता मैया सोच रहे हैं कि बारे प्रभु, आज ये कपला के ऊपर इतना बड़ा परीक्षा, इतना बड़ा आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लोग कहा था, लेकिन आज हमारे ये दुर्दशा करावत है प्रभु की एक वस्त्र नहीं आज जंगल में बा कि हम कम से कम पहिर के बदल के स्नान तो कर ले। विचार करने की बात है, ए बाबूजी जौने समय सीता जी रोवत तो चली जाते हैं पागल के तरह, पागल ही का रूपवा बनाई है सजनावा, गली का रूपवा बनवल सजनवा, माई कावा सिल्या छूटनियावा धई भावनवा, माटी होइगा राम आई राम माटी होइगा सब आवत का खजनावा की बन में गजब होइगा ना, माटी होइगा सब आवत का खजनावा की बन में गजब होइगा ना, माटी होइगा सब आवत का खजनावा की बन में गजब होइगा ना। ए चंद्रिका मास्टर, मैया सीता जी करें के अयोध्या में दहिनाती लाख खजाना गजा रहे, लेकिन आज अयोध्या का बिटिया पतो हुआ जी जंगल में बिना खाए मरता तो सोना चांदी महल अटारी से हमसे कौने काम के, वो हमारे कौने काम के, उसे हमार मतलब ही का रही गया। यही के कबो कबो पूर्वांचल के कलाकार गाँव के सुनी ला के ससुरे में झुर झुर मोती झरे, लेकिन मोरे लेखे से तुआ सपनवा रे बाबू जी, बनाए ससुरे में गजाब अगर पतो पुआस कई देस तो धन दहिनाती कौने काम के। सीता जी रोवत चली जात है, आगे बढ़त है वाल्मीकि महाराज, एक हाथ है कमंडल लकड़ी वाला, एक हाथ है माला, ओम ओम जपत चले आवत है वाल्मीकि महाराज। सीता जी सोच गईं कि यहाँ जंगल में और कोई दूसरा महापुरुष नहीं है, हैं तो एक ही वाल्मीकि महाराज, तो इसका मतलब उनके सिवाय दूसरा कोई महात्मा नहीं है। और सीता जी 2 बीघा के दूर से अष्टांग दंडोत प्रणाम लेट के वाल्मीकि महाराज देखते हैं, ये वन में बिटिया कौन है आई है कि हमको प्रणाम कर रही है। लंबा पैर बढ़ाते हुए वाल्मीकि महाराज एक अच्छे ऋषि अच्छे महापुरुष, जब वो सीता मैया के पास आते हैं पूछते हैं कि ये बेटी तुम हो कौन, तब सीता मैया रो के कहे महाराज हम वन देवी हैं। कहा बेटी नहीं, तू अपना फूल परचे बोलो कि तुम हो कौन। कहा महाराज हमार नाम सीता है, हमारे ससुर का नाम दशरथ बा, हमारे बाप का नाम जनक बा, अब पति का नाम ले। ए पंचो समझ गए वाल्मीकि महाराज की सीता हैं, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की औरत हैं। कहे बेटी तुम जा कहां रही हो। कहा सीता जी गुरुदेव महाराज आपके कुटी पर मैं चल रही हूँ। कहा बेटी साधुओं के कुटी पर औरत का जरूरत नहीं है। सीता मैया कहें वाल्मीकि महाराज से कि महाराज मैं उसमें का औरत नहीं हूँ कि आपकी बदनामी हो जाए संसार में, आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी, यदि आप पुआस करके सूद जाएंगे तो मैं भी सूद जाऊंगी, लेकिन मैं आपके सर का बोझा कुटी पर चल करके नहीं बनूंगी, आप खाली रहने का हमको स्थान दे दीजिए। दयालु महापुरुष साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे बहाय। दया दृष्ट घूम गई महापुरुष की, कहा बेटी ठीक है चलो मेरे कुटी पर। और जब चल देते हैं बारे दयालु गुरु वाल्मीकि महाराज, जब सीता को लिया चलते हैं आगे आगे वाल्मीकि महाराज, पीछे से मैया सीता, और जब गावत चली जाते हैं सीता मैया सोचते हैं कि अब हम ठिकान मिल गया रहे के भोजन मिले यो चाहे। और सीता जी का कहते हैं जब प्रेम का पूजा, एक इलाहाबाद में हमारे गुरु हैदर अली के क्षेत्र में लोग इसको नाटक में खेलते हैं, कहना है का
जब प्रेम का पूजा हम करबई तब दर्श संवरिया देबई करी जब प्रेम का पूजा हम करबे तब दर्श संवरिया देबई करी जब राम या डरिया लग जाए तब पार ठटरिया होबई करी बाबूजी सीता मैया कितनी बढ़िया बात कहें कि जब प्रेम का पूजा हम करबे तब दर्श संवरिया देबे करी जब राम अडरिया लग जाए तभी पार ठठरिया होबे करी। गावत बजावत पहुंच गए सीता मैया वाल्मीकि महाराज के कुटी पर। एक दिन बीता, दो दिन बीता, चार दिन बीता, सीता मैया ऐसे कुटी पर सेवा करत, गुरु जी के खाना बनवत, खियावत, माजत, धोवत। बच्चा होइ के समय आई गे, बच्चा जब होइ के समय आई गे, बच्चा का मास जब पूर्ण हो गया तब वाल्मीकि महाराज सोच गए कि लगता है कि बेटी को उधर में बच्चा है और आज ही या न हो जाए कुटी पर बच्चा। लगभग चार बजे के शाम की बेला में दूसरी मीटिंग में सीता पशु पीड़ा से परेशान और एक कुटिया में जाती हैं, मारे शर्म के मारी वाल्मीकि महाराज से नहीं बोलती हैं और कुटी में जाती हैं। वहां कौन है एक वाल्मीकि महाराज के छोड़ करके, और कुटी में जाती हैं और पशु पीड़ा से परेशान हैं सीता और ईश्वर का ध्यान जोड़ करके लगी हैं कि प्रभु इस संकट से पार करा, इस संकट से पार करा, दीनन दयाल नाथ हितकारी आप प्रभु करुणा निधान कृपा सिंधु नर रूप हरि। वक्त गुजरता गया, ईश्वर के कृपा से एक बेटवा पैदा भए, एक बेटवा भए सीता मैया के गोद से वाल्मीकि महाराज के कुटी पर। बच्चा पैदा भए, वाल्मीकि महाराज एक अच्छे महापुरुष सणसा से अपने कमंडल में ठोंक रहे हैं, बजा रहे हैं, सोहर गाने वाले कोई नहीं। सीता मैया एक तरफ खुशियाली, एक तरफ खुशियाली, एक तरफ दुखित है कि हमारी अयोध्या छूट गई, और एक तरफ खुशियाली है कि पहले ठीक हमारे बेटवा पैदा भा। लेकिन बेटवा पैदा भा तो आई के जंगल में तो सीता जी अपने आप को सोहर गा रही हैं। कैसे लाल सोहर की लाइन है, सीता मैया गाओ थे ये पंचो जरा ध्यान दे सोहर पे, भगवान के बेटवा भा प्रकाश भैया। और कैसे सीता मैया सोहर गाओ थे, कहैया जू बनावा में जन अमेनी होरी लावा बनई में छवि बरसाई हो। नाचत गावत आया धाई करनिया तसगरी पाउनिया हो। सब जंगली दौड़ी गए कि आज कुटिया पर का होता, कहे ललना ने गदई दयाप अने भावनावा बनई में छवि बरसाई हो। सीता मैया सोचत है नी ए बेटवा जौआ जो होई ती हम यहाँ धा नगरिया उगत जोरिया उठाए दे सोहर के बेटा। और सीता मैया सोचत है और का कहत है, अरे मोरे ललना, अरे मोरे ललना जऊ होई ती धनगरिया हो तऊ ग तैया जोरिया।
दामन तीन हाथे गहानवा बाही नीकना नवाया हो मैया का कहते हैं अरे मोरे लला ना अरे मोरे लला ना जे ऐसन मंगल गावयो गायक सु नाव सुनवैया सुख पावई हो अरे मोरे ललना जे ऐसन मंगल गावे और गाय के सुनावे सुनवैया सुख पावे हो। ए बाबू सीता मैया अपने आप को सोहर गावत वक्त गुजरता गया। 12 दिन सौरी में बैठ के बिताई। वाल्मीकि महाराज मर्यादा को देखते हुए सीता मैया को भोजन पानी का व्यवस्था कर दिया करें। सौरी से बाहर निकली सीता जी और तब सीता जी कहां जाते हैं पानी बदे के। गंगा जी किनारे जो भाई सीतामढ़ी गए होंगे देखने के लिए घूमने के लिए तो सीता मैया के बगल में सीतामढ़ी समाहित स्थल से 10 बीघा आप पूर्व साइड आइए और पच्छू के कोने पर गंगा मैया की धारा बह रहा है पूर्व पच्छू और जाती है सीता पानी बदे। वाल्मीकि महाराज से कहीं महाराज बच्चा देखत रहे तनी हम गंगा जी तीरे से पानी लेके। वाल्मीकि महाराज मंदिर मुलियान हैं पूजा करते हैं। सीता जी समझ गए कि पूजा करते हैं जंगल का मामला है कोनो क्षण दिवाली तो है नहीं कोई जनावर आएगा बच्चा पर आक्रमण कर जाएगा तो हम कसने अपन बच्चा लेह चली। सीता मैया अपने बच्चा के उठाई और लेह गए पानी के अपने लैया गंगा किनारे तो संगे संगे आप बच्चा लेह गए। वाल्मीकि महाराज जब मंदिर में से निकले देखें तो खटोला खाली बा कहां लागता कि कोनो जनावर आयो बच्चा के लई गया। अब वो करत का है गलती होई के हो था तो छोटी सी गलती बड़ी गलती बन जाते गलती होई के हो था तो बुद्धि कमजोर बन जाते। वाल्मीकि महाराज शक्ति से नहीं देखा था कोई लड़के बाबा कहा अपने शक्ति के बल्कि प्रयोग कर दे कुछ कमंडल के पानी लिए। अब वो लड़का बनाओ थे तर्ज तनी सा पर्दा गरम बा का गत है वाल्मीकि महाराज यही सोच रहे हैं कि कर्म मोर खोटा हेराई गए बबुआ करें। वाल्मीकि महाराज के कर्म मोर खोटा हेराई गए अब है सीता जी यही छैलाई जही हम कहां से देव बिटवा का करते हैं वाल्मीकि महाराज उसके ऊपर फिर मंत्र पढ़ो रे कुछ भी हसे पलना पे मुनि मनि जोरे लोटा करम मोर खोटा हेराई गए बबुआ ए बाबूजी क्या करते हैं वाल्मीकि महाराज कुछ के उपार फिर मंत्र परोरे कुछ भी हंसे पलना पे मुनि मन अजोरे
जब लड़का माया के बनाई दे अपने शक्ति से तो सणसा से मुनिवर बजाई दी है लोटा, करम मोर खोटा हेराई गए बबुआ। जब सीता मैया पानी लेके आओ थे अपन एक बेटवा गोदी में, यह एक बेटवा कुश से बने हैं वाल्मीकि महाराज। तब सीता जी पूछते हैं महाराज जी लड़का के कहे बेटिया आपके, कहे नहीं महाराज हमारे एक लड़का पैदा भा, ये डबल कैसे, कहे नहीं बेटी आपका, कहे ना महाराज स्थान न पिया ने बेटवा दूध कटना हो जाए। अरे कहा कहा बिटिया क्षमा की हो, जब तू अपन बच्चा ले गये तो हम नहीं समझ पाओ, हम सोचा कोनो जनावर ले गया, तई हम कुश से बने दी। सीता मैया कहे कहा आप कुश हो पानी से महाराज बेटवा पैदा कर देता, कहे हाँ हाँ बिटिया भगवान चाहे तो पत्थरे में डूब जाम जाए, यो नहीं की कृपा से कुल भय। कहे अच्छा महाराज। दोनों बेटवन के सीता मैया वाल्मीकि महाराज के आदेशानुसार मिजत पिया और सेवा में लगी हैं। वक्त गुजरता गया, 5 साल बीत गया, रामायण की सारी बात बता दिए वाल्मीकि महाराज बच्चों को, और इधर यशोमेघ की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्याम करण घोड़ा को छोड़ दिए, आल्हा का भाव देना पड़ा लाल कैसे। अरे साज के पलटनिया राम चले घोर बनवा, और कहा राम जी का सेनावा कर थे ललका, भालू यौवन रावण का सेनावा सजावा, हाँ जैसे काली बदरी कर थे अनिया, अरे लो कुछ कबाड़े यह राम लगी जा, वह आए वाल्मीकि सुना रण मय दना, अरे लो कुछ से बताई दी है सारा ही जहा, कहे बापे के चरणवा गिर हो दून भैया, अरे राम ली है बेटौन के गोदिया उठा। वाल्मीकि महाराज कहे लव कुश से, कहे बेटा लड़ाई मत करो, अयोध्या के राम है तुम्हारे पिता हैं। दोनों बेटवा धनुष बाण उतार के गुरु की आज्ञा पर जाके मर्यादा पुरुषोत्तम को पांव छूते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से राम दोनों बेटवा लेके खड़े हैं। तब सीता मैया धरती को बुलाओ थे कि माई फाड़ जा और समाई जाई, अब न रहे बांस न बाजे, ये हर इकुल खेला होता। और सीता जी धरती की बुलाओ थे खड़ी लाइन में लाल कैसे, अरे पतिव्रता धर्म दिखाई जानकी, तो मैया मैया कह के धरती के बुलाई जानकी, पतिव्रता धर्म दिखाई जानकी, मैया मैया कहके धरती को बुलाई जानकी। सीता का पुकार सुन के फाटी गई नी धरती माता, समाई गई सीता टूटी गए जगती ऐसे नाता, सती सती रहे सीता सतियों में सती महासती, विरहा का अर्थ जब से जनक से बिया के गई अयोध्या में, अयोध्या वाले कभो एक रोटी सीता मैया के चैन से नहीं खाई दे, तो जब सीता वहां अयोध्या में चैन से नहीं रहे प्रकाश भैया, तो आज अयोध्या का धरती चैन से नहीं बा, कतो बाबरी मस्जिद के झगड़ा कतो निपुर चरखा भाई लगाई बा, अगर सीता जी चैन से नहीं है तो अयोध्या भी चैन से नहीं बा न रहे, जेकरे घरे में औरत के अपमान भवा बा नगर खराब हो गवा बा, गाँव के तो बात छोड़ दे। साबित कई दिन सीता की देखा अयोध्या वाले हम सती है कि फार की धरती चली गई पतालपुरी में, कहानी समाप्त की गई। तो राम आधार कहे ललकार, राम आधार कहे ललकार, सुदई हैदर के पूजे शाम सकार, मैरिया सीता कल पै बन में, मैरिया सीता कल पै बन में, सुदई हैदर अली कहे जब सरिया, मयरिया सिया कल पै बन में, I'm not afraid.
अपने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बाहर बनी के।